नमस्कार, मैं हूं मंगल सिंह सेंगर। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। रानीपुर से एक आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है, जिसमें युवक द्वारा आत्महत्या करने से पूर्व लिया गया वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नई बस्ती निवासी पूर्व बीडीसी युवक ने गृह क्लेश के चलते डाई का सेवन कर लिया, जिससे उसकी इलाज के पहले ही मृत्यु हो गई। मृतक ने डाई खाने से पहले एक वीडियो भी वायरल किया, जिसमें ससुराल के लोगों को दोषी ठहराया। इसी कारण से उसकी पत्नी से अनबन चल रही थी, जिससे वह डिप्रेशन में था। प्राप्त जानकारी के अनुसार नई बस्ती राजेश आर 40 वर्ष पूर्व बीडीसी ने गृह क्लेश के चलते गत दिवस बुधवार को डाई का इस्तेमाल कर लिया। बताया गया कि गृह क्लेश के चलते राजेश आर मऊरानीपुर में रह रहा था। उसकी पत्नी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है, वह मायके में रह रही थी। यह घटना नया पुल के पास की बताई जाती है। डाई इस्तेमाल से पहले मृतक राजेश आर्य ने एक वीडियो वायरल किया, जिसमें उसने अपने सास ससुर व शाली को दोषी ठहराते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि ससुराली जनों द्वारा उसकी शादीशुदा जिंदगी में दखलंदाजी से तंग आकर यह कदम उठा रहा हूँ। ससुराल वालों ने उसकी पत्नी को अलग कर दिया। वीडियो वायरल कर उसने डाई पी ली। वीडियो वायरल होने की घर वालों को जानकारी हुई। किसी तरह जानकारी मिलने पर घर वाले नया पुल के पास पहुंचे तो राजेश यार वहां पर अचेत पड़ा था। पुलिस की सहायता से राजेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत में सुधार न होने पर परिवार के लोग उसे ग्वालियर ले गए, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताया गया कि राजेश की दो संतान, एक पुत्र व एक पुत्री है। उसने यह भी बताया कि राजेश के कुछ दिन पूर्व पहले भी डाई का इस्तेमाल कर मरने का प्रयास किया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक राजेश की पत्नी श्रीमती पूजा देवी ने बताया कि उसका पति शराब का आदी था व जुआ सट्टा भी खेलता था, जिसके कारण वह कर्ज में हो गया था। आए दिन उसके साथ मारपीट करता था, मारपीट के कई जगह निशान भी बताए। वह मायके से पिता से पैसे लाने की हमेशा मांग करता था, इसलिए पैसों के लिए वह परेशान रहती थी। बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, इसलिए वह मायके में रह रही थी। पूजा देवी ने बताया कि मेरा पति मुझसे हमेशा कहता रहता था कि मैं तेरे को बस तेरे माँ बाप बहन को बर्बाद कर दूंगा। जब उसने 50,000 की अतिरिक्त मांग की मेरे पिता से और मुझसे, जब हम लोगों ने पैसे देने के लिए असमर्थता जताई, तो पैसे के न मिलने के कारण उन्होंने यह घातक कदम उठाया। माँ, मेरी बहन और पिता को झूठा फंसाने के लिए यह वीडियो बनाया गया। इससे पहले भी एक बार वह आत्महत्या का प्रयास कर चुका था। रानीपुर से संवाददाता नरेश अग्रवाल की रिपोर्ट, झांसी। इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया और ये पैसे ना देने के कारण बच्चे थे, उनको मारपीट करते थे। इसलिए मैंने अपने बच्चों को इनसे इन बचाव के लिए मैंने अपने मायके भेज दिया था। तो मेरी लड़की वहीं रहती थी, करीब 3-4 साल से रह रही थी वो, और बच्चे को मैं अपने साथ लिए थी। कितने साल के बच्चे थे आपके? 6 साल का बच्चा हुआ है, साथ में चल रहा, और 9वें साल में लड़की चल रही। दो बच्चे हैं? हाँ, दो बच्चे हैं, एक लड़का है। उन्होंने जो आत्महत्या की है, तो उसके बारे में आपको क्या कोई कन्फर्म किया था, क्या बताया था क्या? उन्होंने ये कहा था कि मुझे पैसे दो, पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए 5 लाख रुपए, क्योंकि मेरी सास ने कहा था मेरे लड़के, मतलब मेरे पति से, कि पैसे की मांग करो, 5 लाख रुपए मुझे चाहिए। और मेरे माँ बाप हैं गरीब, उन लोगों ने पैसे देने से मना किया, तो उन लोगों ने मुझे, मेरे पति ने मुझे वीडियो कॉल करके कहा मुझे पैसे दो वरना मैं सुसाइड कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल में दिखाते दिखाते हुए भी गोली खा ली, और हम लोग मना करते रहे फ़ोन पे वीडियो कॉल पे। उन्होंने जो ये वीडियो जो बना के भेजा है वो कैसा है? वो सब फर्जी है, वो सब, वो मेरे माँ बाप पे चिढ़े हुए हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए वो चिढ़े हुए हैं। मेरे माँ बाप ने जैसे बना 1.5 लाख रुपए तो दे दिया था, इससे ज़्यादा उनके पास नहीं था, इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया। और ये पैसे ना देने के कारण ये हम तीनों बहनें पे चिढ़े हुए हैं। हमेशा कहते थे कि हम तुम्हारी तीनों बहनों को घर पे बैठा लेंगे। तो दो बहनें हम शादीशुदा हैं, छोटी बहन जो है उसकी अभी 1 फरवरी की सगाई थी, इसलिए इन्होंने उनका नाम लिया। बहन और पिता को, माँ को फंसाने के लिए चाल चली। बहन, मेरी बहन को फंसाने के लिए मेरे माँ बाप को पैसे नहीं दिए माँ बाप ने, इसलिए माँ बाप को, बहन को फंसाया गया।